नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का स्टूडियो से यानी नोएडा से स्वागत है। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर है राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट में खेद जताना। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी है, खेद जताया है। दोनों में बहुत अंतर है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर राहुल ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है चौकीदार चोर है। कोर्ट ने राहुल से पूछा, हमने ऐसा कब कहा? राहुल ने इसके जवाब में बहुत सारे तर्क दिए हैं। वो सारे तर्क आपको डिटेल में सुमित अवस्थी बताएंगे रात 9:30 बजे। लेकिन पहले मास्टर स्ट्रोक में आपको प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी के बीच शब्दों की लड़ाई देखनी चाहिए। ये सामने आपके तस्वीर 9 बजे की और 9:30 बजे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं सुमित अवस्थी टुनाइट पर। तो भाई, राहुल गांधी के लिए मैदान में उतरी प्रियंका का चेहरा आज गुस्से से लाल था। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी आज उस सीट की खबर है जो वीवीआईपी है। उस सीट को लेकर तनाव और टक्कर इतनी जबरदस्त हो गई है कि देश ने आज पहली बार प्रियंका गांधी का गुस्से से लाल चेहरा देखा। प्रियंका की जो बॉडी लैंग्वेज आज दिखी वो बहुत अग्रेसिव थी और उसे देखकर ये आभास हो रहा था, लग रहा था कि क्या सच में कल इस बात का ऐलान हो जाएगा कि वो वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेंगी। और क्या ये गुस्सा, ये अग्रेशन देश की उसी सबसे बड़ी लड़ाई का संकेत है? हालांकि प्रियंका के वाराणसी से चुनाव लड़ने की खबर अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक सूत्र कह रहे हैं कि कल इस बारे में फैसला हो सकता है। लेकिन कल होने वाले फैसले से पहले स्मृति ईरानी पर प्रियंका का गुस्सा एक बड़ा संकेत तो जरूर दे रहा है। प्रियंका और स्मृति की जंग दिखाने से पहले इस खबर की 5 हेडलाइंस आपको देखनी चाहिए। 2 दिन के दौरे पर रायबरेली और अमेठी पहुंची प्रियंका और सोनिया गांधी। अमेठी में राहुल की तरफ से प्रियंका ने मोर्चा संभाला, स्मृति ईरानी ने पर साधा उन्होंने निशाना। राहुल को लापता सांसद कहने पर प्रियंका भड़क गई, स्मृति को बाहरी लोग कहा। अमेठी में जूते बांटने पर प्रियंका का स्मृति पर हमला, कहा कि अमेठी के लोगों का अपमान है। प्रियंका के वार पर स्मृति ने फिर पलटवार किया, कहा एक्टर मैं हूं, नाटक ना करे प्रियंका। बहुत बाहरी लोग भी आ गए आपके क्षेत्र में, आप यहाँ पे झूठ फैलाने और लंबी लंबी कहानियां बता रहे हैं कि राहुल जी यहाँ आते नहीं। आपको मालूम है कि आप फुर्सतगंज के सामने रहते हो, आपको मालूम है कितनी बार राहुल जी आए? बहुत बार मिले हैं यहाँ के जैसे। आपको मालूम है कि कितना घूमते हैं? जी बिल्कुल। आपको मालूम है कि किस्म के दिल में अमेठी है और किस्म के नहीं है? जी जी जी। यहाँ पे सबसे अजीब बात तो मुझे ये लगी कि ये स्मृति ईरानी जी यहाँ आई और उन्होंने जूते बांटे लोगों को, ये कहने के लिए कि इनके पास जूते भी नहीं है पहनने। ये सोच रही है कि राहुल जी का अपमान कर रही है, ये कर रही है अमेठी की जनता का अपमान। जी हम लोग का हो रहा है। अमेठी की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी है, कभी किसी से भीख नहीं मांगी है। अमेठी और रायबरेली की जनता ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी। जो आया है उनके सामने आदर के साथ आया है, जो खड़ा है उनके सामने प्रेम के साथ खड़ा है। जी, 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 जी। जो उनके सामने आता है उसको पूरा एहसास है, मेरे परिवार के एक एक सदस्य को पूरा एहसास है कि आप हैं बनाने वाले, कि जो सत्ता है वो आपने दी है, प्रेम आपने दिया है, हमें नेता बनाने वाले आप हैं। जी। इस तरह का जो अपमान कर रहे हैं ना आपके साथ कि आपके क्षेत्र में आकर जूते बांटे, इनको आप सिखाइए, इनको आप सिखाइए कि अमेठी और रायबरेली के लोग अपना सम्मान करते हैं, किसी के सामने भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगेंगे तो वो आए आपके सामने, वो मांगे भीख वोटों की। तो आप समझ लीजिए कि इस चुनाव में क्या हो रहा है, चाहे अमेठी में चाहे पूरे देश में। झूठ, जनता को गुमराह करने के तरीके और एकदम एक ऐसा प्रचार जो असलियत से दूर है। एक्टर मैं रह चुकी हूँ तो नाटक प्रियंका जी ना ही करें तो बेहतर है।
जहाँ तक बात अमेठी में उन गरीब नागरिकों की है जिनके पास पहनने को जूता नहीं था, तो कृपया अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म या मानवता हो तो जाकर हरिहरपुर में देख लें कि सच क्या है। लेकिन हरिहरपुर में जाकर देखने के लिए पहले लापता सांसद से पूछना पड़ेगा उनको कि हरिहरपुर है कहाँ। तो मेरा बस इतना ही मानना है कि लापता सांसद को जनता जान चुकी है और कमल का बटन दबाना थाम चुकी है, ठान चुकी है। तो इस बार अमेठी में जोरदार जंग की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन पूरे देश की जिम्मेदारी होने की वजह से कड़ी टक्कर के बावजूद राहुल गांधी अमेठी में वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी ने राहुल की तरफ से अमेठी में मोर्चा संभाला है। स्मृति के खिलाफ बयान देकर प्रियंका ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में ये जुबानी जंग और तेज होगी। मास्टर स्ट्रोक है, भैया की लड़ाई, बहन इसीलिए मैदान में आई। मास्टर स्ट्रोक में अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है, साध्वी प्रज्ञा को लेकर यह खबर है। सोशल मीडिया पर आज उनकी उम्र को लेकर बहुत सारे सवाल शुरू हो गए। साध्वी ने 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी, उसमें अपनी उम्र 44 साल बताई थी। इस लिहाज से आज उनकी उम्र 47 साल होनी चाहिए, लेकिन भोपाल में दायर हलफनामे में आज उन्होंने अपनी उम्र 49 साल बताई है, 49 years, यानी 3 साल में साध्वी 5 साल बड़ी हो गई। ये कैसे हुआ? आज दिन भर यही सवाल लोगों ने किए, लेकिन इन्हीं सवालों के बीच साध्वी प्रज्ञा का डांस करता हुआ वीडियो भी चर्चा में रहा और उनके नामांकन के दो दो शुभ मुहूर्त भी खबर बने। लेकिन इस खबर से पहले 5 हेडलाइंस आप जान लीजिए। भोपाल में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मैदान में उतरी बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 2 बार नामांकन करेंगी। साध्वी प्रज्ञा को मंगलवार को करना था नामांकन, लेकिन पंडितों के कहने पर आज शुभ मुहूर्त वाला नामांकन किया। साध्वी प्रज्ञा कल फिर औपचारिक नामांकन करेंगी। कल नामांकन से पहले समर्थकों के साथ रोड शो भी करेंगी। साध्वी प्रज्ञा की मुश्किलें बढ़ी क्योंकि बाबरी मस्जिद मामले में या वाले बयान पर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। साध्वी ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के दिन वो वहां मौजूद थी, अब मंदिर निर्माण के लिए भी वो जाएंगी। साध्वी को रोते देखा साध्वी को गुस्से में देखा। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात को उत्तर दीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर इसी में है, आप एक लड़की हैं। अब जब नामांकन दाखिल करने पहुंची तो वो चल ही नहीं पा रही थी, उन्होंने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया। उनके साथ 11 पंडित भी कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन से पहले विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ दफ्तर में ही पूजा पाठ हुआ। इस मंत्रोच्चार के बीच में वो मुहूर्त के लिए पहुंची हुई हैं भोपाल कलेक्ट्रेट में फॉर्म जमा करने, नामांकन जमा करने के लिए। ये सिर्फ औपचारिकता है क्योंकि आज मुहूर्त है, कल वो फिर आएंगी बड़ी तैयारी के साथ। और चूंकि साध्वी हैं, हर काम धर्म कर्म और नियत तरीके से होता है, मुहूर्त के साथ होता है, इसलिए इस खास मुहूर्त में यहाँ पहुंची हैं। साध्वी प्रज्ञा के नामांकन की भी अनोखी कहानी है। पहले उन्हें मंगलवार को नामांकन करना था, फिर पंडितों ने आज का मुहूर्त निकाल दिया, तो साध्वी प्रज्ञा ने नामांकन को भी 2 हिस्सों में बांट लिया। बस मेरे मुहूर्त का फॉर्म जमा हो गया, विधिवत कल होगा। मतलब एक मुहूर्त वाला नामांकन, दूसरा विधिवत नामांकन। आज पंडितों के साथ आई, कल पार्टी के नेताओं और समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए दोबारा आएंगी। तो आज भी फॉर्म भरा है, वो कल भी भरेंगे, कल जनता जनार्दन के साथ रैली के रूप में, व्रत रूप में वो फॉर्म भरा जाएगा। आज क्यों आई फिर? नहीं, आज पहले से तय था कि आज भी हम फॉर्म भरेंगे। ये खास मुहूर्त है, कल भी मुहूर्त है और आज भी मुहूर्त है, दोनों ही फॉर्म दोनों दिन हम मुहूर्त में भरेंगे। पार्टी ने जो एक औपचारिक प्रोग्राम तय किया है, बड़ी भीड़ के साथ, काफी सारे लोगों के साथ, काफी सारे साधु संतों को बुलाया गया है, और कल वो फिर औपचारिक रूप से नामांकन भरेंगे। साध्वी के नामांकन फॉर्म के मुताबिक उनके पास करीब 4.5 लाख की संपत्ति है, कोई जमीन या गाड़ी नहीं है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले कॉलम में मालेगांव ब्लास्ट केस का जिक्र है। पहली बार चुनाव लड़ रही प्रज्ञा ठाकुर हाल ही में शहीद हेमंत करकरे पर दिए अपने विवादित बयान को लेकर चर्चा में आई थी। हालांकि चुनाव आयोग के नोटिस के बाद उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया था।
आगे बढ़े मास्टर स्ट्रोक में, उससे पहले ये जो खास किस्म का स्टूडियो आपके लिए इलेक्शन के लिए तैयार किया गया है, मैं एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ। आप ये बड़ी सी वॉल देख रहे हैं जहाँ पर लिखा आ रहा है 23 मई सबसे तेज नतीजे सिर्फ एबीपी न्यूज़ पर आपको देखने को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि एबीपी का मतलब इलेक्शन है, इसका मतलब चुनाव है, और चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर क्यों हमसे नहीं छूट सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो आप दूसरी वॉल पर देख सकते हैं। ये एलईडी की दूसरी बड़ी वॉल, मेगा साइज वॉल, जहां पर आपको एबीपी न्यूज का एक एक रिपोर्टर जो कल एक एक सीट पर मौजूद रहने वाला है, 100 रिपोर्टर है, 116 सीटों पर 100 रिपोर्टर आपको अलग अलग बूथ से, चाहे वो वीआईपी पोलिंग स्टेशन हो, चाहे वो आम का पोलिंग यानी आम जनता का पोलिंग स्टेशन हो, किन मुद्दों पर जनता जो है चुनाव करने के लिए, मतदान करने के लिए जा रही है, और कौन सा नेता कितनी बजे पहुंच रहा है, किस तरीके से पहुंच रहा है, किन किन के साथ पहुंच रहा है, ये सारी जानकारी 100 से ज्यादा रिपोर्टर एबीपी न्यूज के जो है आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो सुबह 6 बजे से लगातार मैं भी और मेरे दो और सहयोगी मौजूद रहने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर जुड़िएगा जरूर तीसरे फेस के लिए। आगे बढ़ रहे हैं मास्टर स्ट्रोक में, लेकिन उससे पहले साध्वी प्रज्ञा का मास्टर स्ट्रोक। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने भले ही शुभ मुहूर्त देखकर आज चुनावी पर्चा दाखिल किया हो, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि शुभ मुहूर्त जीत की गारंटी नहीं है, जीत की गारंटी है जनता के सामने उनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, जनता उनके वादे पर कितना भरोसा करती है, यही महत्वपूर्ण है। मास्टर स्ट्रोक साध्वी के लिए, शुभ मुहूर्त नहीं, जनता का शुभ ही दिलाएगा साध्वी को जीत। मास्टर स्ट्रोक में जो अगली खबर है वो रामपुर से है। रामपुर का नाम आते ही ऐसा लगता है जैसे कहानी पूरी की पूरी फिल्मी हो गई है। रामपुर के नाम पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, आप जानते हैं कई फिल्मों में रामपुर का नाम या रामपुर के नाम की जगह भी आकर्षण का केंद्र रही है। इस चुनाव में रामपुर की लड़ाई कुछ इसी तरह की रही है, यानी केंद्र में फिल्म एक्ट्रेस जया प्रदा वहां से मैदान में है और उनके खिलाफ आप जानते हैं आजम खान हैं। अपने भाषणों से फिल्मी डायलॉग को मात देने वाले आजम खान उनके खिलाफ हैं। आजम खान की जुबान के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, चुनाव आयोग उन्हें इस बात की सजा दे चुका है। लेकिन वैसी ही जुबान आजकल उनके लाडले अब्दुल्ला आजम खान ने भी अपना ली है। हालांकि जया प्रदा भी मुकाबले में अब पीछे नहीं रही। ये पूरी फिल्मी फाइट देखने से पहले 5 हेडलाइंस आप जान लीजिए। रामपुर में विवादित बयानों का सिलसिला अभी भी चल रहा है। जनसभा में अब्दुल्ला आजम ने जया प्रदा के लिए आपत्तिजनक बात कही, जया प्रदा ने भी जवाब दिया, आजम खान को मानसिक रूप से बीमार कह डाला, कहा बेटा भी पिता की भाषा बोल रहा है। अब्दुल्ला आजम खान ने विवादित बयान का मामला चुनाव आयोग पहुंचा, चुनाव आयोग ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। जया प्रदा ने भी विवादित बयान दिया, मायावती और आजम खान को लेकर टिप्पणी की, बयान पर मामला दर्ज हुआ। रामपुर में आजम खान और जया प्रदा की बड़ी टक्कर है, क्योंकि 16 लाख वोटर्स कल ही वोट डालेंगे और इन दोनों की किस्मत कुछ चुनेंगे। मुझे काहे के लिए तैयार किया इस चुनाव को लड़ने के लिए? आजम खान की जुबान पर चुनाव आयोग ने जब ताला लगाया तो बीच सभा में वो फूट फूट कर रो पड़े। मैं नहीं रोना चाहता था ये चुनाव, मुझे काहे के लिए तैयार किया इस चुनाव को लड़ने के लिए? लगता है पिता के आंसू देखकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने बदजुबानी की विरासत संभाली। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली हमें नहीं चाहिए। अब्दुल्ला आजम के निशाने पर पिता की विरोधी जया प्रदा थी और उन्होंने जो बोला वो सोच समझ कर बोला। तो आजम खान की तरह बनने के लिए अब्दुल्ला ने सबसे पहले पिता से उनकी अभद्र जुबान ले ली। हमें अली भी चाहिए, बजरंग बली भी चाहिए, लेकिन अनारकली नहीं चाहिए। आजम खान बोलते रहे और जया प्रदा विक्टिम कार्ड प्ले करती रही। अब अब्दुल्ला आजम ने ये मौका दे दिया। ये उनके मानसिकता है, He is a mentally disordered person, आजम खान। तो उसी के वजह से बेटा भी ये उसी तरह का भाषा बोल रहा है।
इस चुनाव में कोई किसी से कम नहीं है। जयाप्रदा भी अपशब्द बोलने में पीछे नहीं रही। मायावती जी आप सोचो, आप भी आएंगे तो इनके एक्सरे आके आपके ऊपर भी कहां कहां डाल के देखेंगे, मुझे पता नहीं होता। इस बयान की वजह से जयाप्रदा पर मामला दर्ज हो चुका है। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। रामपुर में चंद घंटों बाद मतदान शुरू हो जाएगा। फैसला 16 लाख वोटर्स करेंगे, जो पिछले एक महीने से भद्दी जुबान की राजनीति देख और सुन रहे हैं। और जब आप एक्सक्यूज सुनेंगे ना अब्दुल्ला आजम खान की, तो आप हंस पड़ेंगे। वो ये कह रहे हैं जब फंस गए कि वो आपत्तिजनक बयान नहीं था, अनारकली कहकर वो मुगलों की आलोचना कर रहे थे, क्योंकि उनके परिवार को, उनकी फैमिली को अक्सर मुगलों के साथ जोड़ा जाता है। कमाल की सफाई है। अब्दुल्ला आजम नए जमाने के नेता हैं, खुद भी यूपी के विधायक हैं। लोगों को उनसे उम्मीद है कि वो पुराने जमाने की सियासत से हटकर कुछ अलग करेंगे, लेकिन अपने पिता के विरोधी को अनारकली कहना बताता है कि बदजुबानी के मामले में वो भी कम नहीं है। मास्टर स्ट्रोक यही है, बंद करो बदजुबानी और लिखो अब कोई नई कहानी। मास्टर स्ट्रोक की अगली खबर श्रीलंका के सीरियल ब्लास्ट को लेकर है। एक जानकारी इस मामले में अभी अभी ये मिली है और वो मैं आपको बताना चाहूंगी। दो फैशन ब्रांड्स के बारे में आप जानते हैं, वेरमोडा और जैक एंड जोन्स। ये दोनों डेनमार्क के फैशन ब्रांड्स हैं जो दुनिया भर में मशहूर है, और इसके मालिक हैं एंडर्स पोगलसेन। ये डेनमार्क के सबसे अमीर आदमी हैं। इनके चार बच्चे थे, जिनमें से तीन की मौत श्रीलंका ब्लास्ट में हो गई। श्रीलंका में कल शुरू हुए धमाके आज भी जारी है। एबीपी न्यूज़ के दो रिपोर्टर्स इस वक्त श्रीलंका में आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाया, उससे पहले इस खबर की 5 हेडलाइंस देखिए। श्रीलंका धमाके में मारे गए भारतीयों की संख्या बढ़ गई है, 7 हो गई है। वेमरोई में तुलसीराम, ये उनका नाम है, वेमरोई तुलसीराम और SR नागराज की मौत की पुष्टि हो गई है। श्रीलंका के सीरियल धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 290 तक पहुंची, करीब 500 लोग घायल हैं। आज भी एक धमाका हुआ कोलंबो बस स्टेशन पर, 87 डेटोनेटर्स जो हैं वो मिले हैं। एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट के पास एक IED बरामद हुआ है। श्रीलंका में आज आधी रात से इमरजेंसी लागू है, 24 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। नेशनल तौहीद जमात नाम के चरमपंथी संगठन पर धमाके का शक है, हालांकि अब तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। श्रीलंका में धमाके की ये तस्वीर आज की है। कल से जो धमाका शुरू हुआ वो आज भी चल रहा है। इस तस्वीर को देख रहे हैं आप, ये प्रभु यीशु है। जिस दिन इन्हें सूली पर चढ़ाया गया होगा, उस दिन भी इन्हें इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जो आज खून और मांस के इन छींटों को महसूस कर हुई होगी। श्रीलंका में सीरियल ब्लास्ट की ये दिल दहलाने वाली तस्वीर है, जो चीख चीख कर सवाल कर रही है कि क्या आतंकवाद ने धर्म का चोला पहन लिया है। इस वीडियो को देखिए, अपुष्ट जानकारी के मुताबिक ये चर्च में धमाके का वीडियो है। रविवार की सुबह श्रीलंका को अब तक का सबसे बड़ा जख्म दे गई। ईस्टर के दिन धमाके ने करीब 300 लोगों की जान ले ली। बम आज भी मिल रहे हैं, धमाके आज भी हो रहे हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 24 घंटे बाद एक बार फिर से हुआ है धमाका, लेकिन ये धमाका जैसी अब हमको जानकारी मिल रही है कि एक गाड़ी में बॉम्ब रखा हुआ था, उसको डेटोनेट किया गया है, यानी कि उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसको डिफ्यूज किया गया है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सामने रोड के बीचों बीच में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो जगह है जहां पर बॉम्ब रखा हुआ था। पुलिस को सेंट्रल कोलंबो बस स्टेशन पर 87 डेटोनेटर्स मिले। कोलंबो एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट के पास IED बरामद की गई। अब तक 24 संदिग्ध पकड़े गए हैं। श्रीलंका सरकार कह रही है कि धमाके की साजिश रचने वाले नेशनल तौहीद जमात नाम के चरमपंथी संगठन से जुड़े हैं। 3 महीने से ये संगठन हमले की साजिश रच रहा था। कोलंबो के बाहरी इलाके के एक सेफ हाउस में साजिश रची गई। तमाम अलर्ट के बावजूद पुलिस चूक गई
और चंद मिनटों में श्रीलंका के तीन शहरों में लाशें बिछ गई। चर्च की दीवार पर लगी ये घड़ी ठीक 9:45 पे रुकी हुई है। 9:45 का वक्त, वही वक्त जिस समय बम धमाके हुए जिन्होंने चर्च को दहला दिया, साथ ही पूरे श्रीलंका के अंदर एक अफरा तफरी और एक इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए। हालात खराब है, आज रात से श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है। जब संडे को यानी रविवार को ईस्टर के त्योहार के दौरान धमाके हुए तो बताया जाता है कि करीब 1,500 लोग इस पूरे इलाके में मौजूद थे, 400-500 लोग इस चर्च के अंदर मौजूद थे, बहुत सारे लोग इस राष्ट्रीय पर्व पर यहाँ पहुँचे थे। लेकिन अब यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, यहाँ पर फॉरेंसिक टीमें हैं, कांच के बिखरे हुए टुकड़े हैं, कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिर इन धमाकों की वजह क्या थी, ये पागलपन क्या था जिसने एक सेंट एंथनी चर्च जैसी जगह को निशाना बनाया, और आखिर इन बम धमाकों के पीछे जो लोग थे वो इससे क्या हासिल करना चाहते थे। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, कोलंबो, एबीपी न्यूज। तो धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का सिलसिला लगातार चल रहा है, ज्यादा दिन कहां गुजरे हैं जब न्यूजीलैंड की 2 मस्जिदों में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी और उसमें भी धर्म को लेकर नफरत थी, यहां भी ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। ईस्टर के दिन श्रीलंका में एक बार फिर धर्म के नाम पर नफरत की आग लगाई गई। मास्टर स्ट्रोक यही है, धार्मिक कट्टरपंथ का अंत तुरंत चाहिए। आपको श्रीलंका में ब्लास्ट की कुछ तस्वीरें मैं फिर से दिखाना चाहती हूं। चर्च में धमाके की जो तस्वीरें हैं वो पुष्ट तो नहीं है, लेकिन दूसरी तस्वीर पुष्ट है। पिछले 24 घंटे बहुत दहशत भरे रहे, कल 8 जगह पर धमाका हुआ, आज भी लगातार डेटोनेटर्स के मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच आज सुरक्षा बलों ने गाड़ी में रखे IED को निष्क्रिय कर दिया। दोनों तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, एक तरफ वो गाड़ी जिसमें बॉम्ब डिफ्यूज किया गया, दूसरी कल चर्च में हुए धमाके की है। तस्वीरों से ही आप अंदाजा लगाइए चरमपंथियों ने श्रीलंका को किस हद तक जख्म देने की तैयारी कर रखी। मास्टर स्ट्रोक में इन सारी बड़ी खबरों के साथ मेरे साथ इतना ही, कल जरूर जुड़िएगा 6:00 तीसरे चरण के चुनाव के सारी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद सुमित अवस्थी टुनाइट।